तो बेंटन सीरीज में हमें काफी सारे एलियंस देखने को मिलते हैं, और ये एलियंस कहां से आते हैं, इनका होम वर्ल्ड क्या है, या इनका होम प्लेनेट कैसा है या कौन सा है, ये भी हमें या तो शो के अंदर या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के द्वारा बता दिया जाता है। और इन अजीबोगरीब एलियन होम प्लेनेट्स का वातावरण कैसा है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, ये पृथ्वी से कितने ज्यादा डिफरेंट है, ये जानने में सच में मजा भी आता है। लेकिन बेन के कुछ एलियंस के होम प्लेनेट्स या होम वर्ल्ड्स ऐसे भी हैं जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन की वजह से तबाह भी हुए थे। तो इसलिए आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 डिस्ट्रॉयड एलियन होम वर्ल्ड्स या फिर होम प्लेनेट्स। जिन एलियन होम प्लेनेट्स के डिस्ट्रॉय हो जाने से वहां रह रहे लोगों को और उनकी पॉपुलेशन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मैंने लिस्ट में नीचे रखा है। और जिन एलियन होम प्लेनेट्स के डिस्ट्रॉय हो जाने से वहां रह रहे लोगों और उनकी पॉपुलेशन पर बहुत फर्क पड़ता है, उन्हें मैंने लिस्ट में ऊपर रखा है। एंड शाउट आउट टू MJ275Gamer7, क्योंकि उनके कमेंट से ही मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया मिला। हाँ, तो चलो अब और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 5 के साथ। नंबर 5, पेप्टोस 11। तो पेप्टोस 11 जो है वो असल में गोरमांड स्पीशीज का होम प्लेनेट है, और पेप्टोस 11 के तबाह होने का कारण एक तरह से गोरमांड्स ही थे, जिन्होंने अपनी क्वीन वोरेशिया रंबलटम के कहने पर पूरे प्लेनेट को खाकर खत्म कर दिया। और इस इमरजेंसी प्लान को नाम दिया गया था प्लान ओमेगा, जिसका ऑर्डर क्वीन वोरेशिया रंबलटम ने इसीलिए दिया था क्योंकि उस समय उनके प्लेनेट पर इनकर्जन इन्वेजन हो रहा था, और वो नहीं चाहती थी कि इनकर्जन्स उनके प्लेनेट पर कब्जा करे। तो इसलिए उन्होंने प्लान ओमेगा को अनाउंस किया ताकि इनकर्जन्स के कब्जा करने के लिए कोई प्लेनेट बचे ही ना। और ये तरकीब सच में काम आ भी गई, क्योंकि इनकर्जन्स वापस उल्टे पैर लौट गए और गोरमांड्स को भी अपना नया घर मिल गया पेप्टोस 12 के रूप में। और इससे हमें यही पता चलता है कि गोरमांड्स यानी कि अपचक की स्पीशीज को अपने प्लेनेट खत्म होने पे या फिर डिस्ट्रॉय होने से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, और पेप्टोस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 को भी इन्होंने ऐसे ही खा के ही खत्म करा होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि पेप्टोस सिस्टम के अंदर जो बाकी बचे हुए 63 प्लैनेट्स हैं, उन्हें भी ये ऐसे ही खा के खत्म कर देंगे। नंबर 4, गैल्वन प्राइम। अब गैल्वन प्राइम जो है वो गैल्वन्स का प्लेनेट है, और ये बेंटन एलियन फोर्स में वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स पार्ट 1 एपिसोड के अंदर हाइब्रिड इन्वेजन के चलते इसने बहुत भारी नुकसान सहन करा था, और हाइब्रिड्स ने पूरे के पूरे गैल्वन प्राइम प्लेनेट को तबाह ही कर दिया था। और एजमत भी इसी डिस्ट्रक्शन का शिकार बन जाते अगर सही समय पर आकर प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उन्हें बचाया ना होता तो। पर मुझे ये नहीं पता कि बाकी सारे गैल्वन्स ने इस डिस्ट्रक्शन को कैसे सरवाइव किया। लेकिन क्योंकि गैल्वन्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज होती है, इसीलिए हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ऐसी अचानक आ जाने वाली इन्वेजन या फिर प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन में उन्होंने प्लेनेट से बाहर बच के निकलने का कोई ना कोई प्लान पहले से बना के रखा ही होगा। वरना तुम खुद ही सोचो ना कि अगर तुम्हारे प्लेनेट को कभी इन्वेड किया जाता है तो तुम ऐसे NPC की तरह खड़े खड़े देखते थोड़ी ना रहोगे। प्रोबेबली ऐसा ही हुआ होगा कि जैसे ही अटैक होना शुरू हुआ, वैसे ही इन सभी गैल्वन्स को किसी सेफ जगह जैसे कि प्राइमस पर टेलीपोर्ट कर दिया गया होगा, और हाइब्रिड इन्वेजन और वॉर के खत्म हो जाने के बाद एजमत और बाकी सभी गैल्वन्स ने मिलकर गैल्वन प्राइम को दोबारा से रिबिल्ड किया, उसे दोबारा से बनाया, जिसे आज हम गैल्वन मार्क 2 के नाम से जानते हैं। नंबर 3, पेट्रोपिया। अब पेट्रोपिया जो है वो पेट्रोसेपियंस का होम प्लेनेट है, और पेट्रोपिया के तबाह होने का कारण खुद टेट्रैक्स ही था, क्योंकि उसने अपने जवानी के दिनों में विलगैक्स के कहने पर पेट्रोपिया के बैकअप क्रिस्टल को विलगैक्स के हवाले कर दिया था, और विलगैक्स ने उसी क्रिस्टल की एनर्जी को यूज करके पेट्रोपिया को टेट्रैक्स की आंखों के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब इस पूरी दुनिया में बेन के डायमंड हेड के अलावा टेट्रैक्स ही एक केला पेट्रोसेपियन बचा था। मगर जब उसे पता चलता है कि वो उसी क्रिस्टल और पेट्रोपिया के गार्डियन सुगलाइट की मदद से पेट्रोपिया और उसके लोगों को वापस से जिंदा कर सकता है, तब वो इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने देता और विलगैक्स के पास से वो क्रिस्टल वापस से चुरा के ले आता है और उसे सुगलाइट को दे देता है, और फाइनली अपने प्लेनेट और अपने लोगों को वापस से जिंदा करने में कामयाब हो जाता है।
नंबर टू, इंकर्जन्स होम प्लैनेट। बहुत लंबे समय पहले इंकर्जन्स के होम प्लैनेट पर वहां रह रहे लोगों के बीच एक सिविल वॉर हो रही थी जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर वहां के एक नॉन इंकर्जन वॉरियर ने एस्कलन को चुरा लिया इस उम्मीद में कि उसकी ताकत की मदद से वो अपने प्लैनेट पर चल रही सिविल वॉर को रोक पाएगा और अपने लोगों के बीच शांति और एकता को दोबारा से कायम कर पाएगा। पर बदकिस्मती से वो वॉरियर एस्कलन की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके परिणाम स्वरूप इंकर्जन्स का पूरा होम प्लैनेट तबाह हो गया। हालांकि बहुत से इंकर्जन्स इस डिस्ट्रक्शन को सरवाइव करने में कामयाब रहे थे। एंड अब फाइनली नंबर वन, सब्सक्राइब बटन। नंबर वन, आर्बूरिया। सो आर्बूरिया जो है वो आर्बूरियन पेलारोटास यानी कि कैनन बोल्ट की स्पीशीज का होम प्लैनेट हुआ करता था, जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा हुआ करता था। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस थे, लोग आपस में घुल मिल के शांति से और बहुत मजे में रहते थे और आर्बूरिया को एक वैकेशन स्पॉट कंसिडर किया जाता था क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्पीशीज के लोग अपनी छुट्टियां मनाने भी आते थे। पर शायद इस प्यारे से प्लैनेट को किसी की बहुत बुरी नजर लग गई क्योंकि एक दिन यहाँ पर आया द ग्रेट वन। वही द ग्रेट वन जो कि द बिग टिक एपिसोड में हमें सबसे पहली बार दिखाया गया था, जो कि किसी बड़ी सी टिक की तरह था और वो बेसिकली प्लैनेट्स को खाता था एंड अर्थ को भी वो ऐसे ही खा के खत्म कर देता अगर कैनन बोल्ट उसे सही समय पर नहीं रोक पाता। और द ग्रेट वन के अर्थ पे आने से एक हफ्ता पहले ही उसने आर्बूरिया को विजिट किया था और शायद वहां के आर्बूरियन पेलारोटास ने उस पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा ये सोच के कि ये भी कोई नॉर्मल विजिटर ही होगा जो कि अपनी छुट्टियां मनाने आया होगा। और इसी लापरवाही के चलते वो द ग्रेट वन को अपना प्लैनेट कंज्यूम करने से रोकने में नाकामयाब रहे और द ग्रेट वन ने आर्बूरिया और वहां रह रहे काफी सारे आर्बूरियन पेलारोटास को भी खत्म कर दिया। हाँ, कुछ आर्बूरियन पेलारोटास वहां से समय रहते निकलने में कामयाब रहे थे जो कि अब पूरी गैलेक्सी में इधर उधर फैल चुके हैं। कुछ तो वाइल्ड मट के प्लैनेट वुल्पिन के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके वहां पे रहने लग गए और अब उन्हें वुल्पिनिक टॉर्टुगेंस कहा जाता है। हाँ, लेकिन इतना तो साफ है कि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है और ये अब विलुप्त होने की कगार पे हैं। इवन हमने तो आज तक बेंटन फ्रेंचाइज में बेन के और बेन के अल्टरनेट वर्जन के कैनन बोल्ट के अलावा और किसी भी आर्बूरियन पेलारोटा को नहीं देखा और क्या पता कभी शायद देख भी ना पाए। तो गाइज यही थे वो आज के ऐसे टॉप 5 एलियन होम वर्ल्ड्स जो कि कभी ना कभी तबाह हो चुके थे या फिर तबाह हो चुके हैं। वैसे अगर मुझसे कोई ऐसा प्लैनेट या होम वर्ल्ड छूट गया हो जो कि कभी ना कभी तबाह हो गया था तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या पता मैं उसे इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर कर लूं। और तबाह करने से मुझे एक चीज याद आई कि बेन ने भी अपने कुछ विलन्स को तबाह कर दिया था या यूं कहूं कि जान से मार दिया था, जिसके ऊपर मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसे तुम लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। या फिर अगर तुम्हें ये जानना है कि बेन के ऐसे कौन से टॉप 5 एलियंस हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी प्लेनेट या यूनिवर्स को बचाया है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।